बैतूल के भैंसदेही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को क्षेत्र के लिए कई सौगातों का पिटारा खोला। क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह चौहान की मांग पर स्थानीय कॉलेज का नाम जनजातीय क्रांतिकारी करने समेत कई घोषणाएं की गईं। अपने निर्धारित समय से एक घंटे विलंब से पहुंचे मुख्यमंत्री का भैंसदेही में जबरदस्त स्वागत हुआ। उनका उड़न खटोला दोपहर 4 बजे पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर पर बने हेलीपैड पर उतरा। हेलीपैड पर केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके, क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह चौहान समेत अन्य विधायक हेमंत खंडेलवाल, डॉक्टर योगेश पंडाग्रे, चंद्रशेखर देशमुख सहित अनेक लोगों ने उनका स्वागत किया। भैंसदेही में आयोजित रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लाडली बहनों ने 51 फीट की राखी बांधी। ज्ञात हो कि हाल ही में जिले की 2,77,000 लाडली बहनों को मुख्यमंत्री ने 35 करोड़ की नियमित राशि के अलावा 6 करोड़ रुपए की स्पेशल रक्षाबंधन उपहार राशि भी भेंट की है। मंच से ही उन्होंने लाडली बहनों को रक्षाबंधन का ये उपहार दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यहां 60 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। और उसका पन्ना भी आया, चाहे सैनिक हो, पुलिस वाला हो, आम नागरिक हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सबके सब लोगों का खून बहा। लेकिन दुर्भाग्य से अपने बंदूक पर घंटे की चोट 370 को उठाकर